नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, इसमें पूरी लिस्ट देखेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं और प्लस उनकी कौन कौन सी फील्ड है। अब देखिए, ये वाला वीडियो आईबी वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें कई बार ये भी पूछते हैं कि कौन कौन से अवार्ड कब वो इस्टेब्लिश किया गया, कब पहली बार दिया गया और वो किस फील्ड से रिलेटेड है। तो ये पूरे जितने भी आपके इंडिया के एग्जाम में आ सकते हैं अवार्ड, पूरी मैंने कोशिश की कि उसमें इंक्लूड कर दूँ। अगर फिर भी कोई बचा रह जाए तो आप बता देना कमेंट करके। और दूसरी बात यह कि इसमें जैसे जो लेटेस्ट ईयर्स वाले हैं अवार्ड, उसके दो वीडियो मैं और बना चुका हूँ। अगर वो दोनों वीडियो आप इसके साथ देख लोगे तो अवार्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कभी गलत नहीं करोगे, कम से कम इस साल तो नहीं। ये देखिए, पहला ये अवार्ड है, सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है नोबेल प्राइज, ठीक है। इसको कब कब किया गया, देखिए पहली बात तो ये कि ये स्टार्ट हुआ था 1901 से, 116 साल पहले। और ये किस किस फील्ड में दिया जाता है, ये दिया जाता है केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, मेडिसिन और इकोनॉमिक्स में, ठीक है। ये अवार्ड दिया जाता है, स्वीडन देती है इसको और प्लस नॉर्वे। पीस प्राइज जो होता है, जो शांति वाला पुरस्कार होता है, वो नॉर्वे देती है और बाकी सब स्वीडन देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये जो अवार्ड है इसको ये विल थी अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, उनकी विल के हिसाब से ये इस्टेब्लिश किया गया था। उन्होंने एक विल मतलब अपनी बनाई थी 1895 में, और उसके बाद इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और 1901 में फिर केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स और मेडिसिन का स्टार्ट किया गया। और उसके बाद फिर ये 1967 से, और पहला ये अवार्ड दिया गया 1969 में इकोनॉमिक्स वाला बाद में जोड़ दिया गया, बाकी सब 1901 से दिए जा रहे हैं, ये आप याद रखिएगा। अब ये किस डेट को दिए जाते हैं, ये डेट को दिए जाते हैं 10 दिसंबर को, जो कि डेथ एनिवर्सरी है अल्फ्रेड नोबेल की। एक इनसे रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये डायनामाइट के इन्वेंटर थे, ठीक है। ये जो अल्फ्रेड नोबेल है डायनामाइट के इन्वेंटर थे। एक चीज़ में और याद रखिए कि जिन लोगों ने दो बार नोबेल प्राइज जीता है उनको याद करने की एक ट्रिक भी है, मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं। देखिए, मैडम क्यूरी ऐसी पहली थी जिनको नोबेल प्राइज दो बार मिला, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। जॉन बर्डिन, ये इनको फिजिक्स में मिला है दो बार। फ्रेडरिक सेंगर को मिला है केमिस्ट्री में दो बार, और लाइनस पॉलिंग को केमिस्ट्री और पीस में मिला है दो बार। केमिस्ट्री और पीस में मतलब दो इनको मिले हैं। तो दो जो नोबेल प्राइज जिनको मिले उनको याद रखने की ट्रिक क्या है, मैडम और जॉन फ्रेंडली है। मैडम से हो गया मैडम क्यूरी, जॉन से हो गया जॉन बर्डिन, और फ्रेंड से हो गया फ्रेडरिक सेंगर, ली से हो गया लिनस पॉलिंग, ठीक है। तो ये वाले इससे रिलेटेड हो गए, नोबेल से रिलेटेड सब फैक्ट। छह फील्ड में दिया जाता है टोटल, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स और मेडिसिन और इकोनॉमिक्स। 1901 से स्टार्ट हुआ सबसे पहले। और देखिए, इसमें ये जो ये साइंस वाला, ये जो फिजिक्स वाला है, केमिस्ट्री वाला है और ये जो इकोनॉमिक साइंस वाला है, ये दिया जाता है रॉयल स्वेडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा। उसके अलावा देखिए, मेडिसिन वाला देता है नोबेल असेंबली एंड करोलिंस्का इंस्टीट्यूट, और प्लस स्वीडिश एकेडमी ये देती है लिटरेचर वाला। और नोबेल पीस प्राइज जो है वो नॉर्वे की नोबेल कमेटी देती है, ये आप याद रखिएगा। नोबेल पीस प्राइज स्वीडन नहीं देता है, नॉर्वे देता है। अब इससे रिलेटेड है ये देखिए, मैग्निफिसेंट जो फोर है वो यही है, मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं, ठीक है। ये लोग हैं, इनको दो बार प्राइज मिला है। अब देखिए, इंडिया के कितने लोग अभी तक नोबेल प्राइज जीत चुके हैं वो एक बार देख लीजिए। सबसे पहले जीता था रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1913 में लिटरेचर में गीतांजलि के लिए। फिर मिला सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स में स्कैटरिंग इफेक्ट के लिए। उसके बाद मदर टेरेसा को पीस के लिए। उसके बाद अमृत सेन को वेलफेयर इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूशन के लिए, इकोनॉमिक्स का। और फिर लेटेस्ट मिला कैलाश सत्यार्थी को पीस प्राइज। इनको मलाला यूसुफजई के साथ दिया गया था, जो कि यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर है, ठीक है, चाइल्ड राइट्स के लिए इन्होंने काम किया था। उसके अलावा ये तो थे इंडियन सिटीजन्स, उसके अलावा जो और भी ओवरसीज सिटीजन्स हैं इंडियन ओरिजिन के, जो कि या तो ब्रिटिश के सिटीजन्स थे और या फिर वो नॉन सिटीजन्स थे इंडिया के, लेकिन उनको इंडिया की लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है, वो है हर गोविंद खुराना, इनको मिला है मेडिसिन के लिए। एस चंद्रशेखर फिजिक्स के लिए। और उसके बाद वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। फिर दूसरा है मैग्सेसे अवार्ड, जिसको बोलते हैं एशिया का नोबेल, ठीक है, एशियाज नोबेल बोलते हैं मैग्सेसे अवार्ड को। ये दिया गया था फिलिपीन के जो प्रेसिडेंट थे रैमोन मैग्सेसे को, उनको
उनके जो उन्होंने काफी सारे एग्जाम्पल सेट किए थे गवर्नेंस से रिलेटेड और उन सब से रिलेटेड, तो उनके लिए ये दिया जाता है हर बार। सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया था 1957 में, पहली बार दिया गया था 1958 में, और ये देता कौन है, फिलीपींस कंट्री। और किस किस ये किसके किसके लिए दिया जाता है, गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए, कम्युनिटी लीडरशिप के लिए, जर्नलिज्म के लिए, लिटरेचर के लिए, और बाकी जो है इंटरनेशनल ट्रेंडिंग और इमरजेंट लीडरशिप के लिए। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और ये दिया जाता है 31 अगस्त को, और इसको बोलते हैं नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। तो अगर नोबेल प्राइज ऑफ एशिया बोला जाएगा तो रॉन रेमन ये मैग्सेसे अवार्ड है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर है जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, 1965 में स्टार्ट किया गया ये, और इसको देता है ICCR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिफॉर्म्स। और ये दिया जाता है जो भी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग और गुडविल के लिए देता है पूरे दुनिया में से किसी को भी। फिर ऑस्कर अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, 1929 में स्टार्ट किया गया, ये पहली बार 1929 में दिया गया, इसको एकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं एक्चुअली। और इसमें 24 अवार्ड मिलते हैं फिल्म से रिलेटेड जितने भी हैं, यूएस की जो ये है ये एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर, ये हर बार देते हैं हर साल। अब देखिए इसमें जो इंडिया के लोगों ने जीता है वो लिस्ट देख लीजिए, इंडिया के लिए सबसे पहला जो ये ऑस्कर अवार्ड जीता था भानु अथैया ने जीता था, और इनको मिला था एकेडमी अवार्ड 1983 का बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए गांधी मूवी के लिए। फिर ये मिला सत्यजीत रे को, इनको ऑनररी अवार्ड मिला है, और ये अभी तक सिर्फ एक ही इंडियन है, पहले इंडियन है जिनको ऑनररी अवार्ड मिला था 1992 में। उसके बाद फिर 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए मिला रसूल पोकुट्टी को बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए। ए आर रहमान ऐसे पहले इंडियन है जिनको 2 बार मिल चुका है ऑस्कर अवार्ड, ये आप याद रखिएगा। और गुलजार को मिला था, ये पहले ऐसे लिरिसिस्ट है इंडिया के जिनको मिला था ये नोबेल प्राइज, सॉरी ये ऑस्कर अवार्ड एकेडमी जय हो गाने के लिए। तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, पहला इंडियन कौन था जिसने ऑस्कर जीता, भानु अथैया, गांधी मूवी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन। सत्यजीत रे ऐसे पहले इंडियन थे जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला ऑनररी, और वो उनको अभी तक एक ही ऐसे हैं जो इंडियन जिनको मिला है। फिर यूनेस्को पीस प्राइज ये देता है हर साल यूनेस्को, और इसमें पहले इसको बोला जाता था फेलिक्स होफो बॉय ने प्राइज करके बोला जाता था इनको, और इंटरनेशनल पीस के लिए दिया जाता है ये। 2016 में ये जो मिला है यूनेस्को पीस प्राइज ये मिला है इटली की मेयर है ग्यूसी निकोलिनी को। और एक और होता है यूनेस्को पीस प्राइज, पीस यूनेस्को प्राइज फॉर पीस एजुकेशन, ये मिलता है 1981 से, तो दोनों याद रखिएगा, एक है यूनेस्को पीस प्राइज और एक है यूनेस्को प्राइज फॉर पीस एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद पुलित्जर जो प्राइज है 1917 से स्टार्ट हुआ है, और ये यूएस हर साल देता है। ठीक है, ये अवार्ड मिलता है आपको जर्नलिज्म के लिए, ऑनलाइन जर्नलिज्म के लिए, लिटरेचर और म्यूजिकल कंपोजिशन के लिए। डेट है इसकी 10 अप्रैल 2017, और यूएस देता है हर बार, पहली बार दिया गया था 1917 में। उसके बाद देखिए ये राइट लाइवलीवुड अवार्ड है, 1980 में सबसे पहली बार दिया गया, राइट लाइवलीवुड सोसाइटी लंदन की देती है, इसको बोलते हैं अल्टरनेट नोबेल अवार्ड। तो ये भी आप याद रखिएगा, एक है एशिया का नोबेल वो है रेमन मैक्सेसे, और ये है अल्टरनेट नोबेल राइट लाइवलीवुड अवार्ड 1980 में दिया गया। महात्मा गांधी पीस प्राइज फिर है 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया, इसको इंटरनेशनल पीस का अवार्ड है, ये नोबेल प्राइज जैसे होता है पीस का उसी टाइप का है, और ये दिया जाता है 1900 देखिए एक ये है, एक है महात्मा गांधी पीस प्राइज और एक है गांधी पीस अवार्ड, दोनों का आपस में कोई मतलब नहीं है, बस गांधी जी के कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए दोनों देते हैं। महात्मा गांधी पीस प्राइज जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है 1995 से, लेकिन जो गांधी पीस अवार्ड है वो 1960 से ये मिलता है, लेकिन ये इनका कोई इंडिया की गवर्नमेंट से मतलब नहीं है। ठीक है, और रिसेंट जो गांधी का पीस अवार्ड मिला है ये मिला है रैल्फ नेडर को और ओमर बोरगोटी को 2017 का, लेकिन इसका कोई कनेक्शन नहीं गांधी की फैमिली से, तो ये आप याद रखेंगे। गांधी पीस प्राइज अलग है, गांधी पीस अवार्ड अलग है। फिर यूनेस्को ह्यूमन राइट्स अवार्ड यूनेस्को देती है ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस के लिए, अल्टरनेट ईयर में दिया जाता है, मतलब हर दूसरे साल दिया जाता है। 1978 में ये क्रिएट किया गया था यूनेस्को पीस प्राइज, यूनेस्को प्राइज फॉर ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, और ये देखिए एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ था 1948 में, और उसकी 30वीं एनिवर्सरी मनाई गई थी 1978 में, तब ये प्राइज इस्टेब्लिश किया गया था यूनेस्को ह्यूमन राइट्स अवार्ड, और इसको बोलते हैं बिलबाओ प्राइज भी। ठीक है,
उसके बाद मैन बुकर अलग है और इंटरनेशनल वाला अलग है, ठीक है। बुकर प्राइज जो है ये पहले स्टेब्लिश किया गया था और इसको फिर बाद में मान ग्रुप ने अंडरटेक कर लिया था, तो इसलिए मतलब मान ग्रुप ने ले लिया था इसलिए इसको फिर मैन ये मान बुकर प्राइज बोलते हैं। हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है और ये कॉमनवेल्थ सिटीजन को मिलता है, ब्रिटिश, आयरिश या कॉमनवेल्थ, दोनों में डिफरेंस ये है। देखिए जो मैन बुकर है वो सबसे पहली बार दिया गया, देखिए जो मैन बुकर है वो मिलता है कॉमनवेल्थ कंट्रीज को, और उसके बाद ये जो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज है ये किसी भी नेशनलिटी को मिल सकता है, पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री के नेशनल को मिल सकता है ये, जो कि इंग्लिश में पब्लिश किया हो जिसने वर्क, और ये किसी को भी मिल सकता है। और ये देखिए जो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज है 2004 में स्टार्ट हुआ है, और जो मैन बुकर प्राइज है ये 1968 में स्टार्ट हुआ, 1968 में, और पहला दिया गया था 1969 में, ठीक है। ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा, दोनों में बहुत कंफ्यूजन है। मैन बुकर अलग है, वो सिर्फ कॉमनवेल्थ को मिलता है, कॉमनवेल्थ वाली कंट्रीज को। मैन बुकर इंटरनेशनल, देखिए इंटरनेशनल यहाँ पे वर्ड लिखा है मतलब वो पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री को मिल सकता है, 2004 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद यूएन ह्यूमन राइट्स अवार्ड है, वो है यूएन के द्वारा दिया जाता है, 1968 में स्टार्ट हुआ था, और ये हर 6 साल मिलता है, ये आप याद रखिएगा, 5 साल का इंटरवल रहता है, मतलब अगर मान लीजिए 1991 में मिला तो उसके बाद 1996 में मिलेगा, तो ये आप याद रखिए हर 6 साल मिलता है ये, और ये 10 दिसंबर को दिया जाता है यूएन ह्यूमन राइट्स अवार्ड, क्योंकि 10 दिसंबर को यूएन का ह्यूमन राइट्स डे भी होता है। फिर है वर्ल्ड फूड प्राइज है, इसको देता है FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, पहली बार 1987 में दिया जाता है 16 अक्टूबर को, जिस दिन वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। अब देखिए इसमें जो भी अवार्ड्स हैं ये सबका मैं 2016 का 2017 का पहले ही बना चुका हूँ, वो इसलिए नहीं लिखा है, सिर्फ वही वाले अवार्ड कुछ कुछ लिखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पिछले अवार्ड वाले वीडियो में कवर नहीं किए गए थे। इसके साथ आप वो दोनों वीडियो जरूर देख लेना तो पूरा आपका कवर हो जाएगा, उन दोनों वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इसके बाद देखिए ये वाला जो अवार्ड है वर्ल्ड फूड प्राइज का 2017 का मिला है किसको, अकिन वुमी अदेसिया नाइजीरिया के, और प्लस 2016 का फिर ये इन लोगों को मिला है। 2016 का तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार आप पढ़ लेना पॉज करके इसको। फिर है इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर इंटरनेशनल पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, देखिए इसको बोलते हैं इंदिरा गांधी प्राइज। एक और है, एक है इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो इंदिरा गांधी प्राइज है यानी कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, तो ये तो पीस के लिए दिया जाता है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है 1986 से, ठीक है। और ये 2014 में इसरो को मिला था और 2015 में UNSCR को मिला था, लेकिन जो इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन है ये कांग्रेस देती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस देती है, और ये 1985 से दिया जाता है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन और उनको प्रमोट करने के लिए मिलता है ये। अब इसकी भी लिस्ट आप देख सकते हैं, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर जो नेशनल इंटीग्रेशन रिसिपेंट है वो लेटेस्ट है राजगोपाल PV, ठीक है, 1986 से दिया जाता है, पहला ये मिला था 1987 में, 1986 में ये किया गया था इंट्रोड्यूस, 1985 में सॉरी ये किया गया था इंट्रोड्यूस, लेकिन पहला मिला था 1987 में। फिर है उसके बाद भारत रत्न, आप जानते हैं देखिए इंडिया के अगर सिविलियन अवार्ड की बात करें तो नंबर वन पे आता है भारत रत्न, अगर आपसे कभी ऑर्डर भी पूछ लिया जाए, नंबर टू पे आता है पद्म विभूषण, और नंबर थ्री पे आता है पद्म भूषण, और नंबर फोर पे आता है पद्म श्री, तो ये आप याद रखिएगा। और चारों के चारों प्राइज ही 1954 में स्टार्ट किए गए थे, तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, 1954 में स्टार्ट हुआ, पहला जो अवार्ड था 1954 में दिया गया, लास्ट अवार्ड कब दिया गया 2015 में। अभी तक भारत रत्न को 45 लोग को ये अवार्ड दिया जा चुका है, और सबसे पहला अगर पूछा जाएगा कि सबसे पहले भारत रत्न अवार्डी कौन थे, सी राजगोपालाचारी, हालांकि 3 लोगों को एक साथ मिला था लेकिन नंबर वन पे सी राजगोपालाचारी है, और नंबर 45 पे कौन है, वो है अटल बिहारी वाजपेयी। तो अगर 45 पे पूछा जाएगा तो अटल बिहारी वाजपेयी जो लेटेस्ट जिनको भारत रत्न का मिला है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये है कि अभी तक 45 लोग को मिला है, 12 ऐसे हैं जिनको मरने के बाद मिला है, पहले ये जो ओरिजिनल रूल से उसमें पोस्थमस वाला नहीं, मतलब मरने के बाद वाला अवार्ड वाला सिस्टम नहीं था, लेकिन फिर 1955 में इसको अमेंड कर दिया गया था, और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ऐसे पहले थे जिनको की मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला था, 2014 में सचिन तेंदुलकर को मिला था, वो यंगेस्ट रिसिपियंट हैं, मतलब सबसे कम उम्र के हैं जिन्होंने भारत रत्न अवार्ड जीता है। उसके अलावा देखिए ये और भी मतलब इंडियन बॉर्न सिटीजन के अलावा भी मिला है, जैसे कि एक नेचुरलाइज सिटीजन है मदर टेरेसा को मिला है भारत रत्न, दो नॉन इंडियंस हैं जो नेशनल
ये अब्दुल गफ्फार खान है, और प्लस नेल्सन मंडेला को भी मिल चुका है भारत रत्न। फिर पद्म विभूषण सेकेंड सिविलियन हाइएस्ट, सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 1954 में इंस्टीट्यूट का पहली बार अवार्ड दिया गया उसी दिन 1954 में ही। पहले रेसिपेंट है सत्येंद्र नाथ बोस, इसमें भी वही है कि पहले मरणोपरांत नहीं मिलता था, फिर 1955 में मिलने लगा। उसके बाद देखिए 2017 में पद्म विभूषण किसको किसको मिला है, 7 लोगों को मिला है, मुरली मनोहर जोशी, शरद पवार, यू आर राव, जग्गी वासुदेव, के जे येसुदास और सुंदरलाल, ये 2 लोगों को पोस्थमसली मिला है, सुंदरलाल पटो और पी ए संगमा को। फिर उसके अलावा पद्म भूषण है, पद्म श्री, उनकी बहुत लंबी लिस्ट है तो वो बता चुका हूँ, एक बार आप देख लीजिएगा, याद करना पॉसिबल नहीं है इसको। फिर भारतीय जनपीठ अवार्ड है, ये किया गया स्टार्ट, देखिए ये स्टार्ट किया गया था सबसे पहले जो जनपीठ अवार्ड है यहाँ पे, ये 1965 है, ये इंस्टीट्यूट मतलब पहले किया गया 1961 में, पहला अवार्ड दिया गया था 1965 में। ये है कि लिटरेचर में अगर आपका आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन है तो दिया जाता है, और दूसरी बात ये कि ये 23 भाषाओं के लिए दिया जाता है, 22 तो शेड्यूल लैंग्वेजेस है जो 8 शेड्यूल में है अपनी, और प्लस इंग्लिश में भी दिया जाता है। तो भारतीय जो जनपीठ अवार्ड 23 लैंग्वेज में दिया जाता है, ये भी पूछ सकते हैं, 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस और इंग्लिश में दिया जाता है। और लेटेस्ट अभी तक देखिए 57 लोगों को मिल चुका है, लेटेस्ट है शंकर घोष, ये हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं किसको क्या मिला है, इसमें बस अवार्ड के बारे में बता रहा हूँ किस किस फील्ड से रिलेटेड है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 1955 में स्टार्ट हुआ, किसी भी राइटिंग के लिए मिलता है, ये 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में, ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है इसमें, सॉरी ये 24 के लिए होता है, ये साहित्य अकेडमी 24 के लिए, जनपीठ अवार्ड होता है 23 के लिए। इसमें 22 जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं 8 शेड्यूल में, वो भी और प्लस इंग्लिश और राजस्थानी, ठीक है, तो जनपीठ अवार्ड मिलता है 23 के लिए शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस और प्लस इंग्लिश, और जो ये साहित्य अकेडमी है 24 के लिए मिलता है, यहाँ पे गलत लिखा है, 24 है ये, 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है ये, 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस की 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस और इंग्लिश और राजस्थानी। स्टार्ट किया गया था, सबसे पहला दिया गया था 1954 में, अभी तक 60 लोगों को मिल चुका है। फिर सरस्वती सम्मान है, ये 1991 में स्टार्ट किया गया के बिरला फाउंडेशन द्वारा, और इसमें ये लास्ट 10 साल में कोई भी बहुत ही अगर अच्छा लिटरेरी वर्क है उसके लिए दिया जाता है, और ये दिया जाता है 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में। देखिए ये भी पूछते हैं कई बार, तो ज्ञानपीठ 23 में मिलता है, साहित्य अकेडमी 24 में मिलता है, सरस्वती 22 में मिलता है। अब देखिए सरस्वती का सबसे पहला अवार्ड किसको दिया गया था, हरिवंश राय बच्चन को, थोड़ी सी पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है, और 2016 में मिला है ये महाबलेश्वर सेल को हॉथर्न नॉवेल के लिए, ये बता चुका हूँ मैं पहले इसलिए इतना फोकस नहीं किया इसमें। व्यास सम्मान है 1992 में स्टार्ट हुआ के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, और किसी भी जो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन होगा हिंदी लिटरेचर में उसके लिए मिलता है ये, सबसे पहली बार 1991 में दिया गया, और इसमें हिंदी लैंग्वेजेस के लिए मिलता है ये, केवल हिंदी लैंग्वेज में होना चाहिए और लास्ट 10 साल का कोई भी वर्क होना चाहिए। 2017 का व्यास सम्मान मिला ऋषभ जैन को आदेव धुर्वे ऑटोबायोग्राफी के लिए, और ये अभी तक के यंगेस्ट रेसिपियंट हैं व्यास सम्मान के 18 साल के। और 2016 का मिला था सुरेंद्र वर्मा को काटनी समी का व्रज पद्मा पंकुड़ी की धार से, ये वाला, ठीक है, व्यास सम्मान हो गया। फिर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये, 1958 से चालू हुआ ये, इंडियन साइंटिस्ट को मिलता है एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के लिए। आर डी बिल्ला अवार्ड और जी डी बिल्ला अवार्ड दोनों मेडिकल साइंस में रिसर्च के लिए हैं, 1991 में इस्टेब्लिश किया गया ये जी डी बिल्ला, ठीक है। धनवंतरी अवार्ड है ये एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस मेडिकल साइंस के लिए। अर्जुन अवार्ड है 1961 से स्टार्ट हुआ, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री देती है ये, जो भी डिफरेंट ये जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनमें एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, स्पेशल अचीवमेंट्स के लिए। द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है कोचेस को, 1985 से चालू हुआ, ईयर याद रखिएगा सबका, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड स्पोर्ट्स की दुनिया में इंडिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जैसे भारत रत्न है सिविलियन अवार्ड सबसे बड़ा, वैसे स्पोर्ट्स वाला अवार्ड सबसे बड़ा इंडिया का राजीव गांधी रत्न खेल रत्न है। 1992 से स्टार्ट हुआ, लेटेस्ट 2017 का आप जानते हैं सरदार सिंह को हॉकी के लिए, और प्लस देवेंद्र झाझरिया को मिला है। गैलेंट्री अवार्ड्स की अगर आप बात करें तो देखिए गैलेंट्री अवार्ड में जो एक वॉर टाइम होता है और एक वॉर टाइम के अलावा होता है अवार्ड, अगर वॉर टाइम की बात करें इसमें, ये स्टार्ट हुए थे कब से, ये 1950 से, पहले 3 गैलेंट्री अवार्ड इंट्रोड्यूस किए गए थे, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, फिर उसके बाद 3 और इंट्रोड्यूस किए गए, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। अब देखिए ये पूरा मिलिट्री अवार्ड की एक्चुअली लिस्ट है, ये वॉर टाइम अवार्ड कौन कौन से हैं, सबसे बड़ा वॉर टाइम जो मिलिट्री अवार्ड है परमवीर चक्र है,
इक्विवेलेंट है विक्टोरिया क्रॉस के, और फिर सेकंड है महावीर चक्र, थर्ड है वीर चक्र। पीस टाइम में जो गैलेंट्री अवार्ड्स है वो है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। अभी अशोक चक्र मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, कमेंट करके बताइएगा किसको मिला था। वॉर टाइम पीस टाइम, फिर ये जो सेना मेडल है और अवार्ड है, फिर ये सर्वोत्तम मेडल है, युद्ध सेवा मेडल है, तो ये वॉर टाइम डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए, पीस टाइम की डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल है, ये अति विशिष्ट है, विशिष्ट सेवा मेडल है। सिविलियन अवार्ड में बता चुका हूँ, सबसे बड़ा है भारत रत्न, फिर पद्म अवार्ड है, पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, पद्म श्री है। 1954 में स्टार्ट हुए थे सब एक साथ, 1955 में रूल को चेंज करके मरणोपरांत भी दिया जाने लगा, ठीक है। 2017 में मोदी गवर्नमेंट ने ये किया, बोला था कि जो ये मिनिस्टर अवार्ड देते हैं पद्म अवार्ड को, वो प्रैक्टिस खत्म करके ये बोल दिया गया कि कोई भी किसी भी अगर बंदे को आपको पता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया तो आप उसको ऑनलाइन ये नॉमिनेट कर सकते हो उसको, तो उस उन लोगों को भी दिया जाएगा। और 2000 ये जो 16-17 वाला है इसलिए दिया गया, तो इसलिए गवर्नमेंट्स का रोल मिनिमाइज कर दिया गया, क्योंकि हमेशा पद्म अवार्ड में एक्चुअली आरोप ऐसे लगते हैं कि ये लोग जो भी सरकार होती है वो अपने लोगों को दे देती है। लीडरशिप अवार्ड में गांधी पीस प्राइज, इंदिरा गांधी प्राइज डिस्कस कर चुके हैं। लिटरेचर अवार्ड कौन कौन से हैं, जनपीठ अवार्ड या ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ये हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है इंडिया की लिटरेचर में। अभी हमने देखा ये कितने में है, 23 लैंग्वेजेस में। साहित्य अकेडमी कितने में, 24 में। फिर साहित्य अकेडमी फेलोशिप, भाषा सम्मान है, और भी है ये प्रेमचंद है ये। फिर और भी नेशनल जो स्पोर्ट अवार्ड है, सबसे हाईएस्ट है राजीव गांधी खेल रत्न। फिर द्रोणाचार्य कोचेस के लिए, अर्जुन अवार्ड है स्पोर्ट्स में अचीवमेंट के लिए, ध्यानचंद अवार्ड है लाइफ टाइम के लिए, सीके नायडू बीसीसीआई का अवार्ड, बीसीसीआई का शायद मुझे लगता है मिसिंग हो गया इसमें, तो वो वाले अवार्ड में एक्चुअली पिछले जो बाकी दो वीडियोज है उसमें हम लोग अवार्ड रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं, तो आप देख लीजिएगा। पुलिस अवार्ड है ये सब, एक बार पढ़ लीजिए। ब्रेवरी अवार्ड कौन कौन से होते हैं, भारत अवार्ड, संजय चोपड़ा, गीता चोपड़ा, ये पूछा जाता है कि कौन से अवार्ड है, ये जीवन रक्षा पदक है ये, तो ये है देखिए पूरा लिस्ट ऑफ ऑल अवार्ड्स और प्लस आपकी फील्ड। आईपी के लिए बेसिकली है ये, लेकिन बाकी एग्जाम में भी ऐसे तो पूछते हैं क्वेश्चन कि कौन सा अवार्ड किस फील्ड से रिलेटेड है, कब किसको दिया गया। अभी तक के ये जो तीन वीडियो हैं, आप अगर इन दोनों को देख लेंगे, अवार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जो इसमें बचा रह गया है वो बाकी उसमें था, बाकी पिछले वाले दो वीडियो में, इसलिए मैंने इसको छोड़ा है। तो ये आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और ठीक है, चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट।